वेलकम एक बार फिर से आप सबको हेल्थ सीक्रेट्स डॉक्टर राशिद पर खुशामदी। हम आज बात करेंगे मुदाफती निज़ाम के हवाले से। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं आज के मौजू की जानिब। सेहत एक ऐसी नेमत है जो जिंदगी का हुस्न बढ़ाती है और जीने का लुत्फ दोपाला करती है। इसके बरक्स बीमारी या कमजोर जिस्मानी और जहनी हालत इंसान से जिंदगी की उमंग और जीने की तरंग ही नहीं खुशियां भी छीन लेती है। किसी भी बीमारी से बचने के लिए इंसानी जिस्म में एक खुदकार निजाम काम करता है जो बीमारी का सबब बनने वाले जरासीम के हमले को इब्तदाई मरहले पर ही रोक देता है। इंसानी जिस्म में मुजाहमत का ये निजाम कुव्वत मुदाफ़त यानी इम्यूनिटी सिस्टम कहलाता है। मुदाफ़ती निज़ाम जिस्मानी सेहत को बरकरार रखने के लिए 24 घंटे काम करता है और ये हयातियात और दीगर माहौलियाती कुव्वतों के हमले से जिस्म को महफूज रखता है। इसके अलावा मुदाफ़ती निज़ाम जिस्म को मुख्तलिफ मुतअद्दी बीमारियों से बचाने के लिए अहम किरदार अदा करता है। इसलिए ये इंसानी जिंदगी की बका के लिए बहुत जरूरी है। जब कुव्वत मुदाफ़त कमजोर होने लगती है तो जिस्म में बीमारियों से लड़ने की ताकत कम होने लगती है और बीमारियों से सेहतयाब होने में भी खासा वक्त लगता है। मुदाफ़ती निज़ाम की कमजोरी की अलामात की बात की जाए तो उसमें ज्यादा सर्दी महसूस होती है। अगर आपको बार बार नज़ला हो रहा है या नज़ले की अलामात दोबारा आ रही हैं तो इससे मालूम होता है कि आपका मुदाफ़ती निज़ाम कमजोर है। इसके अलावा मुदाफ़ती निज़ाम की बीमारियाँ जो हैं वो खुद मुदाफ़ती निज़ाम की सरगर्मी को मुतासर करने का सबब बन सकती हैं। अगर ये निज़ाम ज़रूरत से ज़्यादा मुतहरक हो तो जिस्म अपने टिश्यूज़ को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है जिससे ऑटो इम्यून बीमारियां जन्म लेती हैं और ये बीमारियां जिस्म की दीगर बीमारियों का मुकाबला करने की सलाहियत कम कर देती हैं। कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम बच्चों की नशोनुमा में ताखीर का बाइस भी बनता है। लिहाजा अगर आप महसूस करें कि आपके बच्चे का जिस्म मामूल के मुताबिक नहीं बढ़ रहा तो ये कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम की निशानदेही है। ताहम बाज़ औक़ात नशोनुमा में ताख़ीर नाकस खुराक की वजह से भी होती है। खून की कुछ बीमारियाँ कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम की निशानदेही करती हैं जिनमें हेमोफीलिया, अनीमिया, खून का जमना और खून का कैंसर शामिल हैं। आपकी जिल्द जरासीम से लड़ने में सबसे पहली रुकावट है। जिल्द पर बार बार खारिश होना या खुश्क जिल्द सोजश की अलामत है और हो सकता है कि आपका मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो। इसके अलावा अज़ा की सोजिश जिस्म के कुव्वत मुदाफ़त को भी सुस्त कर सकती है जिसकी वजह से खुलियों का इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, ट्रोमा या गर्मी हो सकती है। जिस्म में किसी किस्म की चोट सोजिश का बाइस बन सकती है और ये कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम की अलामत है। अगर आप महसूस करें कि जिल्द पर आपके जख्म ठीक होने में मामूल से ज्यादा वक्त ले रहे हैं तो आपका मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर है, क्योंकि मुदाफ़ती निज़ाम जिल्द को जरासीम से लड़ने में मदद करता है। इसके साथ साथ रोज़मर्रा की जिंदगी में सख्त मेहनत के बाद थकावट महसूस होना मामूल की बात है, लेकिन अगर आराम करने के बावजूद थकावट बरकरार रहती है तो ये मुदाफ़ती निज़ाम की कमजोरी की अलामत हो सकती है। जब आपके जिस्म का दिफाई निज़ाम मौसर अंदाज में काम नहीं कर रहा होता तो आपका जिस्म तेजी से थकावट महसूस करता है। अब बात करते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने वाली होम्यो मेडिसन के हवाले से। आज हम आपके साथ तीन होम्यो अद्वियात पर मुश्तमिल एक ऐसा नुस्खा शेयर करेंगे जिसकी खसूसियात बयान करना मुश्किल है, क्योंकि इसकी खसूसियात की फहरिस्त इतनी तवील है कि वीडियो का दौरानिया घंटों तक मुहित हो सकता है। इसलिए इस कम्बिनेशन के कुछ खास फवायद ही आपके साथ शेयर करेंगे। होम्यो मेडिसन का ये कम्बिनेशन आपको अंदरूनी और बैरूनी तौर पर इतना मजबूत कर देगा कि किसी भी तरह वायरस आपको बीमार नहीं कर पाएगा, और अगर आप बीमार हो भी जाते हैं तो ये कम्बिनेशन रिकवरी के अमल को तेज कर देगा जिससे आप जल्द तंदुरुस्त हो जाएंगे। वायरस ज्यादातर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर हमलावर होते हैं और इसके असरात नाक, गला और फेफड़ों पर दिखाई देते हैं, लेकिन ये कम्बिनेशन आपको फ्लू यानी जुकाम, किसी भी तरह की खांसी, छींकें आने और बुखार के साथ साथ एलर्जी के अमराज से महफूज रखेगा। इसके अलावा ये कम्बिनेशन दिल की कारकर्दगी को भी बढ़ाता है और शरियानों के अंदर खून की रवानी को कंट्रोल करता है। ये जिस्म में खून को साफ करता है और खून की कमी को पूरा करता है। इसके साथ साथ ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में मदद देता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये कम्बिनेशन जिगर के अफवाल को बेहतर करने के साथ साथ उसे मजबूत करता है जिससे बदहजमी जैसे मसाइल से
छुटकारा हासिल होता है, जबकि ये शुगर जैसे मर्ज को कंट्रोल करने में भी मुआवन साबित होता है। यह कम्बिनेशन दिमागी सेहत पर मस्बत असरात मुरतब करता है। जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं और जिन्हें बहुत ज्यादा एंग्जाइटी रहती है, इसके अलावा नींद और याददाश्त की कमी का शिकार अफराद के लिए यह कम्बिनेशन किसी नेमत से कम नहीं। हड्डियों की मजबूती हो या बालों की अफजाइश, बिनाई को बेहतर करना हो या जल्दी अमराज से बचाव का मसला हो, तो ये कम्बिनेशन इन तमाम बीमारियों के खिलाफ ढाल साबित होगा। इस बेमिसल कम्बिनेशन के लिए तीन अद्वियात इस्तेमाल करेंगे, जिसमें रिनोस्पोरा कार्डिफोलिया की बात की जाए तो ये जिस्म में व्हाइट ब्लड सेल की तादाद में इजाफा करती है और उनकी कारकर्दगी बढ़ाती है। जब कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारे जिस्म पर हमला करता है तो व्हाइट ब्लड सेल इस हमले को पसपा करने में अहम किरदार अदा करते हैं, जिसके बायस हम वायरल इन्फेक्शन से महफूज रहते हैं। दूसरी मेडिसिन जो है वो है ओसिमम सैंक्टम। ये दवा भी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने में बहुत मुआवन साबित होती है। इसके इस्तेमाल से आप नज़ला, जुकाम, बुखार, खांसी से बचे रहते हैं। इसके अलावा ये दवा पेट के अमराज में भी बहुत कारामद है। तीसरी दवा एम्बलिका ऑफिसिनेलिस एंटी बैक्टीरियल खसूसियत की हामल है। ये दवा जिस्म के मुदाफती निज़ाम को बेहतर बनाने में मदद करती है। इसके साथ साथ बालों को मजबूत और घना करती है, तनाव को कम करती है। ये दवा खून साफ करने के साथ साथ खून की अफजाइश भी करती है। यही नहीं बल्कि ये निज़ाम तनफ्फुस और बिनाई को भी बेहतर करती है। ये तो तीन कम्बिनेशन की तीन अद्वियात। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है? इस कम्बिनेशन का तरीका इस्तेमाल कुछ यूं है कि तीनों अद्वियात को मदर टिंचर की सूरत में लेना है। जर्मन कंपनी की तैयार करदा ये अद्वियात 30 मिलीलीटर की शीशी में दस्तयाब हैं। इसके साथ आप होम्योस्टोर से 100 मिलीलीटर की एक खाली बोतल ले लें और इन तीनों अद्वियात को इसमें शामिल कर दें और बोतल का ढक्कन लगाकर इसे खूब अच्छे से शेक कर लीजिए। जादू असर कम्बिनेशन तैयार है और ये घर के हर फर्द को न सिर्फ बीमारियों से महफूज रखेगा बल्कि बीमारियों से जल्द छुटकारा भी दिलाएगा। चलिए अब बात करते हैं इसके इस्तेमाल की। तो इस कम्बिनेशन के 20-20 कतरे आधे कप नीम गर्म पानी में शामिल करके दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करने हैं, और आपने इसे बच्चों को देना है तो 10-10 कतरे दिन में 2 मरतबा देना है। आखिर में कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए आपके साथ कुछ देसी नुस्खे शेयर करते हैं। सबसे पहले कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने में इजाफा करने के लिए एक ऐसा पाउडर बनाने का तरीका बताते हैं जिसे आप बआसानी घर पर मौजूद अशिया से तैयार करके महफूज रख सकते हैं। अशिया कुछ यूँ है कि 7 खाने के चम्मच आपने सौंफ लेनी है, 7 खाने के चम्मच ही पीसी हल्दी लेनी है, 4 खाने के चम्मच साबुत धनिया लेना है, 4 खाने के चम्मच सफेद जीरा लेना है, 3 खाने के चम्मच इलायची पाउडर लेना है, 2 खाने के चम्मच पीसी हुई सौंठ लेनी है, 2 खाने के चम्मच साबुत काली मिर्च लेनी है और आधा खाने का चम्मच पीसी हुई दालचीनी लेनी है। सबसे पहले पीसी हुई सौंठ और हल्दी के अलावा दीगर तमाम अज़ा को हल्की आँच पर थोड़ा सा भूनना है और उसे ठंडा होने पर पीस लेना है। उसके बाद इसमें हल्दी और सौंठ पीसी हुई शामिल करनी है और अच्छे से मिक्स करने के बाद उसे शीशे की किसी बोतल में महफूज कर लेना। इस पाउडर को आप 3 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसे रोजाना आधा चाय का चम्मच इस पाउडर को लेना है और नीम गर्म पानी के साथ इसे इस्तेमाल करना है। दूसरा तरीका यह है कि इस पाउडर का आधा चाय वाला चम्मच लेना है, 1 खाने के चम्मच देसी घी लेना है, इन दोनों को शामिल करना है और रोजाना सुबह खा लेना है। तीसरा तरीका ये है कि इसे आप सब्जी या दीगर खानों में गर्म मसालों की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरे नुस्खे की बात करते हैं। कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए आंवला और अदरक की चाय, ये भी बहुत मुआवन साबित होती है क्योंकि आंवला और अदरक दोनों ही में विटामिन सी की भरपूर मात्रा मौजूद होती है। विटामिन सी एक एंटी ऑक्सीडेंट समझा जाता है जिसमें एंटी वायरल और एंटी सोजिश खसूसियात होती है। इन खसूसियात की मदद से ये मशरूब हमें बहुत सी बीमारियों से महफूज रखेगा। अब चलते हैं आंवला और अदरक की चाय बनाने के तरीके की जानते। सबसे पहले 4 कप आपने पानी लेना है और उसमें 1 चम्मच खुश्क आंवला पाउडर और 1 चम्मच खुश्क अदरक का पाउडर, ये दोनों को डाल दें और उसे अच्छे से उबालना, यहाँ तक कि 4 कप पानी में से 3 कप पानी जो है वो खुश्क हो जाए और सिर्फ 1 कप पानी रह जाए। उसके बाद इस पानी को आपने 1 कप में डाल लेना है और उसमें थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा शहद मिलाकर उसे पी लेना। ये चाय हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन इसकी नौइयत गर्म है, इसलिए गर्मियों में 1 कप से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। सर्दियों में आप इसे 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब बात करते हैं कि एहतियाती तदाबीर क्या इख्तियार करनी है आपने। एहतियात ये करनी है कि कुव्वत मुदाफ़त में इजाफा करने के लिए तो सबसे पहले सिगरेट नोशी और नशा और अशिया का इस्तेमाल उसको तर्क करना होगा। रोजाना वर्जिश करें, अपने वजन को जो है वो बढ़ने मत दें, सफाई का खास ख्याल रखें और हर काम के बाद हाथ जरूर धोएं। खानों को अच्छी तरह से पकाएं ताकि इसमें शामिल जो अज्जा हैं उसमें मौजूद जरासीम खत्म हो जाएं। रोजाना 6 से 8 घंटे की नींद पूरी करें। इसके साथ साथ अगर ज़रूरत हो तो गजाई सप्लीमेंट का इस्तेमाल भी करें। उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे आप अपने दोस्तों और अजीज़ और अकारब के साथ ज़रूर शेयर करें। इस पैगाम के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।